आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक रेडमी नोट 7 है और इसमें एलसीडी लाइट का इशू है। ठीक है, तो इसमें कई सारे फोल्डर चेंज हो चुके हैं, हमारे टेक्नीशियन भाई इसको कर चुके हैं, वो इत्तेफाकन बात है कि समझ में नहीं आ पाता है। तो इसमें क्या हुआ, फोल्डर कहीं चेंज हो गए लेकिन लाइट का इश्यू अभी भी मौजूद है। तो इसमें लाइट का क्या इश्यू है, हम उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। लाइट का फॉल्ट क्या है मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि चल नहीं रहा। ठीक है, अभी मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा तो इसकी आवाज़ पे गौर करें। ठीक है, जैसे ही मैं चार्जर हटाऊंगा तो इसके अंदर ये लाइट का फॉल्ट है। ठीक है, फॉल्ट कहाँ से है वो हम समझ लेते हैं। पहले मैं बैटरी निकाल देता हूँ, सारा इसको डिसअसेंबल कर लेते हैं। लाइट का फॉल्ट एक्चुअली ये यहाँ किसी टेक्नीशियन भाई ने काम किया हुआ, ऑलरेडी एक रजिस्टर था। चलिए, तो एक बात का इश्यू है, उसने रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये सही वैल्यू का होगा तो काम करेगा, नहीं तो फिर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वाला रजिस्टर यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉल्ट नंबर वन तो ये एक सस्पिशियस केस है, लेकिन दूसरा केस क्या है, इसकी लाइनिंग जो होती है वो इधर है। इसकी जो लाइनिंग है, ये जो फ्यूज़ आपको देख रहे हैं, ये फ्यूज़ इस बूस्ट कॉइल में से होता हुआ इस डायोड पर आती है इसकी सप्लाई। ठीक है, और इस फ्यूज़ पर जो कॉइल की सप्लाई है, यानी इस कैपेसिटर की जो सप्लाई है वो आती है इस फ्यूज़ पर, और इस फ्यूज़ से यहाँ आती है, और यहाँ से फिर इस बूस्ट कॉइल पर आती है, और इस बूस्ट कॉइल से इधर निकल के इस डायोड पर आती है। ठीक है, तो इसको जो है मैंने जब चेक किया है डायग्राम में, तो इसको यहाँ पे बीप नहीं आ रही। ठीक है, ये बीप इस बूस्ट कॉइल के थ्रू ही यहाँ आती है, ये करंट को बूस्ट करता है। तो सबसे पहले मैं ये बूस्ट कॉइल उतारूँगा और उसके बाद फिर हम इस बूस्ट कॉइल को चेक करेंगे और फिर इसको हम रिप्लेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो मैं इस बूस्ट कॉइल को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये बूस्ट कॉइल बीप देनी चाहिए थी। ठीक है, ये बीप दे नहीं रही है। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ दूसरे पीसीबी में से। चलिए, ये मैं रेडमी 5 है, एक मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है, ये लाइट सेक्शन की बूस्ट कॉइल है, मैं इसी को उतार देता हूँ। इस बूस्ट कॉइल को चेक करते हैं। ठीक है, ये बूस्ट कॉइल ओके है, और अभी मैंने आपको बताया था कि रेडमी 5A का ये जो फ्यूज़ है, यहाँ से यहाँ तक तो बीप आ रही है, देखो ग्राउंड से नहीं आ रही है, इस पर से आ रही है, लेकिन यहाँ आउटपुट नहीं हो पा रहा इसका। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। अब मैं सबसे पहले काम ये करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूँगा कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आई है कहीं। तो अभी इस डायोड पर शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं इस डायोड को चेक करता हूँ, ये बूस्ट कॉइल जो यहाँ से इसकी बीप इस डायोड तक आनी चाहिए। ठीक है, आ रही है। चलिए सेट पैक करते हैं। हाँ बोल। Thank you.
ठीक है, लाइट का सॉल्यूशन हो चुका है। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट कोर्स होता है पूरा, यानी कि पूरा चिप लेवल कोर्स है और हर तरह का जो भी सेट घूमता फिरता है उसी का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।